हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गाजर का हलवा बनाने चल रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान। ये देखिए, हम गाजर लिए हैं, अच्छी तरीके से इसको हम धुल के रख लिए हैं। अब हम कद्दूकस करते हैं, तो ये हमने कद्दूकस लिया है। देखिए, इसमें कई तरह के डिज़ाइन दिए हुए हैं, तो हम बारीक कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से गाजर हम बारीक कद्दूकस कर ले रहे हैं। सभी गाजर देखिए बहुत बारीक है ये। ये हमारा गाजर देखिए इस तरीके से कद्दूकस करके रेडी हो गया है। हमने बहुत बारीक गाजर कद्दूकस किया है। अब हम इसको क्या कहते हैं, भूंजेंगे। इधर हम पैन रख दे रहे हैं, गरम हो रहा है, उसमें हम देसी घी डाल रहे हैं। अब हम इसमें गाजर ऐड कर रहे हैं। देखिए, इसको हम बराबर चला के लगभग 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूंजेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, हमने 5-7 मिनट लगभग हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। और चीनी ऐड कर दे रहे हैं इसमें। इसको अच्छी तरीके से हम मिला दे रहे हैं। इसमें देखिए हल्का हल्का पानी छोड़ दिया है गाजर में, गीला हो गया है, तो इसको हम और सुखवाएंगे और अच्छी तरीके से, ताकि गाजर भी पक जाए। इधर हम ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो बादाम है, नारियल, किशमिश और इलायची लिए हैं। इसको हम बारीक कूट लेते हैं 3। ये देखिए हलवा हमारा सूख गया है अच्छी तरीके से। इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर दे रहे हैं। इसको बराबर हम मिला दे रहे हैं। ये हलवा देखिए हमारा बन के रेडी हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो गया है, बहुत ही झटपट बन जाता है। अब इसको हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं हलवा को। ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।